गाय रखो जल्दी जल्दी निकलने वाली करो। भाई पीछे कुछ लग रहा है मेरे तो यार, देख रोंगटे खड़े हो गए। अबे भाई कैमरे में आया, अगर आप देखोगे भाई साहब तो आपको अंधेरा और ताई की वही दो जो मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो है ग्रेवयार्ड ब्लॉग। ग्रेवयार्ड मीन कब्रिस्तान। तो भाई आज 15 शाबान की रात है और हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं कब्रिस्तान आए हैं और कब्रिस्तान आने के जो तरीक़ेकार जो मामलात हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और भाई टाइम जो है इस वक्त टाइम हो रहा है रात के कोई 2 बजे का टाइम हो रहा है, मगर तो अब जो है हम चलते हैं आगे और फिर कब्रिस्तान में आगे जाके आपसे मुलाकात करते हैं। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइबर है तो पुरानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम यहाँ से फूल वालों से भी ज़रा बात करेंगे तो देखते हैं फूल वाले क्या रेट फूल के चला रहे हैं। चलो तो भाई चलते हैं फूल वालों से भी जरा बात करते हैं कि फूल के क्या रेट चल रहे हैं। इस वक्त जो है महंगाई बढ़ जाती है और हर चीज पाकिस्तान में आपको पता है जैसे कि होता है। तो पूछते हैं भैया अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है, क्या हिसाब चल रहे हैं? 500 रुपये 500 रुपये किलो। और डेली रेट मतलब नॉर्मल रेस में क्या रेट होता है? 200 रुपये। मतलब ये बढ़ाने की वजह माल महंगा हो जाता है। पाकिस्तान में कोई भी फेस्टिवल आता है तो माल ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। और ये दाना हमारे पास कितना भाई? तो चलते हैं रेट भी और देख लेते हैं और जो मुनासिब होगा तो फिर हम वो उससे परचेज कर लेंगे। अभी 500 के रेट मिले हमें, आ जाओ हर चीज के रेट आसमान पे चलेंगे। तो भाई साहब अभी तो यहाँ का माहौल जो है वो रश वाला चल रहा है हमें नजर आ रहा है। और अंदर जाके हम देखेंगे कि अंदर जाके कब्रिस्तान में लाइटिंग वगैरह है या नहीं है। आज तो यहाँ पे लाइटिंग फुल फ्लैश हुई। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे कितनी रौनक और लाइटिंग की लाइटिंग हो रही है। नहीं तो अमूमन रोज़मर्रा में यहाँ पे ये होता है कि जैसे आप पीछे दिखाओ भाई ज़रा पीछे की तरफ, जैसे जो अंधेरा खूब हुआ हुआ है ना रोज़मर्रा में ऐसे ही अंधेरा होता है। तो भाई आज के दिन अगर आप लोग सिर्फ एक ही दिन त्यौहार के तौर पर अगर यहाँ पर आते हो तो भाई यहाँ पर रोज़मर्रा में भी आना चाहिए। और रोज़मर्रा में यहाँ पर जो है इंतज़ामिया को इंतज़ाम देखने चाहिए। यहाँ पर इतने बड़े बड़े कुत्ते घूम रहे होते हैं और कचरा, जैसे ये कचरा कुंडी हर जगह पर कचरा कुंडी का ढेर होता है। तो भाई रोज़मर्रा में अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो वो एक दिन के आने से बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये आज इतनी लाइटिंग वगैरह है मगर रोज़मर्रा में यहाँ पे अंधेरा को बोता नहीं है। भाई बैठे हैं, हम इनसे पूछते हैं ज़रा। यार कल नॉर्मल डेज में आएंगे तो इतना हमें यहाँ रोशनी मिलेगी, अंधेरा को बोता है ये तो आज का दिन रोशनी लगेगी। ये एक यहीं के हमें भाई यहीं पर ही मिले तो हमने इनसे बात जब करी है तो उन्होंने ये बोला कि आज जो रोशनी है सिर्फ आज के लिए है, बाकी अदरवाइज़ पूरे 12 महीने अंधेरा को पड़ा दे रहा होता है और कुत्ते घूम रहे होते हैं। ये हाल है हमारा, एक दिन त्यौहार के तौर पे मनाना बेकार है भाई। इसको आप जो है डेली आ सकते हैं, हफ्ते में आ सकते हैं, मंथली वीकली आ सकते हैं तो आएँ। चलो आगे हम और चलते हैं और आपको जो है कुछ ऐसी जगहें विजिट कराएंगे जो खस्ता हाल और जो है टूटी फूटी कब्रें यहाँ पे रह गई हैं, उनके लावारिस जो है वो आते ही नहीं। तो आपका भाई आज आपको इस कब्रिस्तान के अंधेरे में आ गया है सिर्फ आप लोगों की वजह से। और आपका भाई आज आपको एक किस्सा सुनाएगा हज़रत बहलोल का, जो बड़े मशहूर अल्लाह के वली गुजरे हैं। हज़रत बहलोल एक दफ़ा जो है हज़रत बहलोल जो है मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे। तो किसी ने बोला कि भाई बहलोल यहाँ क्या कर रहे हो बैठे हुए, मस्जिद के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तो हज़रत बहलोल ने कहा कि मैं यहाँ पर दोस्ती करा रहा हूँ। दोस्ती? तो उस शख्स ने बोला किसकी दोस्ती करा रहे हो? तो हज़रत बहलोल मुस्कराए और कहा कि मैं अल्लाह और उसके बंदों की दोस्ती करवा रहा हूँ। तो शख्स ने पूछा कि क्या हुआ, हुई दोस्ती? तो वो मुस्कराए और कहा नहीं, अल्लाह तो राज़ी है मगर बंदे राज़ी नहीं है। एक दिन वो शख्स, वो हज़रत बहलोल जो हैं एक दिन जो है वो कब्रिस्तान के बाहर बैठे हुए थे। फिर वो शख्स गुजरा, फिर उसने कहा कि बहलोल यहाँ क्या कर रहे हो बैठे हुए? तो हज़रत बहलोल ने कहा कि मैं आज भी दोस्ती ही करवा रहा हूँ। पूछा किसकी? बोला अल्लाह और बंदे की। तो बोला क्या हुआ, हुई दोस्ती? तो हज़रत बहलोल ने बोला आज भी नहीं हो रही। तो उस शख्स ने पूछा क्यों? बहलोल ने कहा कि आज बंदा तो राज़ी है मगर अल्लाह राज़ी है। तो भाई ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ दुनिया की हद तक है, आखिरकार जब बंदा कब्रिस्तान में आ जाता है तो फिर उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए। 2 लाइन का ये किस्सा हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा गहराई रखता है, उसमें काफ़ी जो है हमारे लिए
अवेयरनेस है कि हम सोचें समझे नमाज पढ़ें, अपने बड़ों का अदब करें, लोगों के काम आए, अपने अखलाक को बेहतर करें। और हो सकता है कि मेरी ये बातें मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के और मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों के बच्चों के अंडरस्टूड हों, और आप लोग अपने भाई को जितना प्यार देते हैं, जितनी सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो भाई अच्छा, वहाँ तो हम रास्ते में जब शुरू में आए थे तो वहाँ पे तो भाई समझ लो रौनक ही रौनक थी, मगर वो जो जमात वाले जो होते हैं, जमात के कब्रिस्तान होते हैं, जो ग्रेवयार्ड होते हैं, वहाँ पे उन्होंने लाइटिंग वगैरह जनरेटर करी हुई थी बकायदा, और ऑलराउंडर अगर आप देखोगे भाई साहब तो आपको अंधेरा और तारीखी वही जो मैं बात कर रहा था वही अंधेरा नज़र आएगा। और हम लोग, मैं यहाँ पे जो आया हूँ अकेला, और शाबाश है, मतलब हिम्मत है, और आप लोगों की ऐसा मैंने हिम्मत करी आने की, अंधेरा ही अंधेरा जो है वो यहाँ पे हो रहा है। तो ये ईमान की ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको जो है ईमान की ताकत दे भाई। तो हम चलेंगे और देखेंगे। और ये मैं आपको बताना भूल गया कि भाई साहब ये जो कब्रिस्तान है, ये बेबा शाह जो एशिया का सबसे बड़े कब्रिस्तानों में आता है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, मगर यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है, यहाँ पर कोई चीज़ लाइटिंग, कोई सिक्योरिटी, कोई चीज़ किसी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, और हर कब्रिस्तान का यही हाल है। तो आज तो भाई यहाँ पे हम लोग जो है, हमारे दादी और दादा की भी जो है कब्रें मुबारक है, और नानी नाना की भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दादी और दादा के पास आ गए हैं, हुसैन भाई का वीडियो शूट किए हैं। ये दादी की कब्र है भाई, और ये हुसैन भाई के बिल्कुल सामने जो है ये दादा की है। तो अभी ये है कि हम लोग पर यहाँ से फातिहा वगैरह पढ़ के निकलते हैं, और पीछे जो है वो ताया की है ना शायद, पीछे वाली जो बड़ी अली कब्र है ये नज़र आ रही है, हाँ ये ताया की है। अच्छा, तो भाई जब भी आप कब्रिस्तान में आएँ, तो कब्रिस्तान में आने के बाद जो है पहला जो अमल जो होता है कि आपको सलाम करना होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अबे हुसैन भाई, आवाज़ कहाँ से आ रही है? जवाब है भाई, जवाब। अबे तो भाई क्या हो रहा है भाई, कैमरे में आया ये? हाँ, रिकॉर्ड तो भाई, भाई जल्दी जल्दी करो और निकलने वाली करो यार, जल्दी जल्दी भाई दुआ करो भाई साहब। अली भाई कोई गया पीछे? भाई साहब तू, तेरे को नज़र आया नहीं? रिकॉर्ड नहीं हुआ, काला काफ़ी था। अबे आवाज़ आ, अबे उस भाई साहब मेरे तो यार देख रोंगटे खड़े हो गए। अबे भाई साहब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? अबे तेरे को नज़र नहीं आया कुछ? नहीं। अबे भाई जल्दी दुआ मांगो, चलने वाली करो यार, यार हुसैन भाई जल्दी जल्दी कर यार, यहाँ पे मेरे को जो है ना थोड़ा सा घबराहट हो रही, जल्दी निकलने वाली कर। अरे भाई पीछे कुछ मुझे साया सा लग रहा है। अबे मेरा ही साया होगा, क्या हो गया, क्यों डरा रहा है भाई, उल्टी उल्टी बात। नहीं अली भाई, उधर कोने पे कुछ। किधर? पीछे आपके, पीछे कोने पे, उस तरफ कोने, कॉर्नर पीछे। अरे भाई साहब हुसैन भाई यार ये क्या, मेरे को फंसवाने वाले काम नहीं कर यार, ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता ये क्या है, ये अभी तो रास्ते में ही बैठा भाई, क्या करूँ मैं? एक मिनट यार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलीज़िल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन वा अतूबु इलैहि, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनातुन वला नौम, लहु मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज़, मन ज़ा ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिस्मिही, लहु मा बैन अय्दीहिम वमा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युस समावाति वमा फिल अर्ज़ वला युहिद्दुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला युहिद्दुहु। हुसैन भाई क्या करें, रास्ता यही है, क्या करना है जाने का? बहुत से ही यह चीज़ है, अजीब व गरीब लग रहा है मेरे को तो भाई, कोई बंदा लग रहा है यार, वो नहीं वो भाई, हेलो पत्थर मार दो। ए भाई लो, तू यहाँ क्या कर रहा है यार, कसम से मैं, अबे भाई मैं पीट, अबे तेरी साले कमीने, यहाँ पे हम लोगों को डराने के लिए आया, हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने आए हैं और तू हमें डरा रहा है यहाँ पे? मैंने बोला अली भाई के साथ प्रैंक करो, अली भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। अबे ये तो कोई तरीका होता है यार, कोई इंसानों वाले काम कर भाई, तूने हमारी सांसें ऊपर करा दी थी यार, तो आदमी है यार, साए में पूरा छुप गया ये, वो यहाँ से भागता हुआ भी तू गया था। तो भाई नहायत ही कमीने किस्म का इंसान हमें डर गया यहाँ पे, मगर ये है कि भाई दिल मेरा जोर जोर से धड़क रहा है। ओ भाई साहब चेक, अब तू अकेला आया यहाँ पे या किसी के साथ आया? किसी के साथ आया हूँ। कौन है, कहाँ है वो?
वो अभी थोड़ी देर घूमने गया हुआ। चलो भाई, मैं जो है ना, मेरा जो है ना, इसमें देख कसम से यार, हाथ ठंडे हो रहे हैं मेरे, चेक कर। ओ भाई साहब, चलो यार चलते हैं भाई आगे। चलो भाई, तूने तो यार दिमाग की सही कर। चलो आगे। हाँ भाई अब्बासी, ये बता, मैंने अभी अंदर ये तो यार, यहाँ तो लाइटिंग VIP हुई हुई है, ये बताओ ये जो कव्वालियों की आवाज़ आ रही है कहाँ से आ रही है, ज़रा सुन के बताओ। तुम तो इस तरह या बदरू की तरह घूम रहे थे ना, सुन को ज़रा अपना जायज़ा लगाओ। घूमो, चलो। ये उस साइड से आ रही है अली, इस साइड से भाई, उस साइड से, उस साइड से। अच्छा यार, मुझे ये समझ नहीं आता लोग कब्रिस्तान में कव्वालियाँ क्यों करते हैं, मतलब इससे इनको क्या हासिल वसूल होता है यार, तबले और ढोल बजा रहे होते हैं कब्रिस्तान में कव्वालियाँ करना, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया कि कव्वालियाँ कब्रिस्तान में 15 शाबान की रात को क्यों होती है। तो चलो भाई, हमारा जो एंटीना दिखाओ उसको ज़रा, हमारा जो एंटीना है ना, टूट टूट करके बताया कि इस तरफ से आवाज़ आ रही है, तो देखते हैं वहाँ के क्या कव्वालियाँ क्यों कौन कर रहे हैं। अच्छा तो भाई साहब, अब जो है हम कब्रिस्तान से बाहर की तरफ आ गए हैं, और यहाँ का मंजर चेक करो यार, क्या रौनक यहाँ पे लगी हुई है, मतलब लाइटें शाइटें, पब्लिक आना जाना, और भाई चलो इसने जो है आज बहुत गलत करा है मेरे साथ बेटा, ये मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ, तुमने जो हरकत करी है ना आज, ये डराया तुमने, और ये अच्छा नहीं करा, और इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, और मैं आप लोगों से इस ब्लॉग के, इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूँगा कि भाई नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज को नहीं छोड़ें, अच्छी बात भी सत्ताई जारी होती है। काफ़ी हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे सब्सक्राइबर, हमसे कह रहे थे कि भाई इस हवाले से ब्लॉग बनाया जाए, तो हम इस हवाले से ब्लॉग बना रहे हैं। भाई देखें, नमाज को नहीं छोड़ें, नमाज 5 वक्त बाद जमात पढ़ें, और कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ें आप लोग। तो अभी हम लोग चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, बिल्कुल दुआओं की दरख्वास्त है सबके लिए, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक तमाम आलमुल मोमिनीन की मगफिरत फरमाए, और जितने भी यहाँ पे जो कब्रिस्तान में हैं इनकी भी मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाइन नबील अमीन। तो पुल की हम थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाएंगे चलते हुए कि रौनक कैसी यहाँ पे जो है ना शुरू में, लेकिन अंदर जो है आपके अंदर जाके काफ़ी बुरा हाल है, वहाँ लाइटिंग वगैरह नहीं है। चेक करो यार, नीचे पुल के ऊपर जो व्यू आ रहा है ना, थोड़ा ऊपर करके लो यार, ओ भाई साहब, मतलब ये फूल और मरवा वाले खड़े हुए, और जो है ये आप व्यू चेक करो जरा यार, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर रहे, फिर मिलेंगे किसी और अदर ब्लॉग में, अदर वीडियो अदर कॉन्टेंट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।